संतोष शर्मा, जनपद लखनऊ महिला थाना, आपसे फोन पर बात हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं विजय। दीनानाथ चौहान? नहीं जी, विजय कुमार। हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो थोड़ा मजाक कर रही थी। कौन है विजय? ये संतोष शर्मा जी हैं महिला पुलिस थाने से, और ये करिश्मा सिंह जी बड़ी फेमस हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, आइए ना बैठिए। आइए आइए, धन्यवाद, काम कर लेते हैं। जी हम सीधा मुद्दे पर आना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि हम एक इंसान का मदद करना चाह रहे हैं, उसका जान भी बचाना चाह रहे हैं, और संजोग कुछ ऐसा बन गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कौन है वो आदमी और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, जिस आदमी का स्वाभिमान हम उसको वापस दिलाना चाह रहे हैं, उसका नाम है राहुल वर्मा। वो पेशे से टीचर हैं और त्रिवेणी कॉलेज में वो जॉब किया करते थे। अब जो है उनके प्रिंसिपल ने उनको जॉब से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राहुल जो है अपनी भाई की शादी में नागिन डांस कर रहे थे। किसी ने उनका वीडियो लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। बात कॉलेज तक पहुंच गई और प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर अपने भाई की शादी में नागिन डांस करने से नौकरी का क्या कनेक्शन है? नहीं पर उनको ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक जो है उनका कोई निजी जीवन नहीं होता है। अगर वो अपने प्रोफेसर को ऐसा हरकत करते हुए देखेंगे तो उनका जो कॉलेज का मान प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच सकती है और वो धूमिल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। कॉलेज में वो एक टीचर है मगर बाहर तो उनकी एक निजी जिंदगी है। ये कैसा खड़ूस प्रिंसिपल है? बस यही बात तो हमें उस प्रिंसिपल को समझाना है। देखिए बात ना सिर्फ नौकरी का नहीं है, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाता है। बात है उस इंसान के स्वाभिमान की जो उसने इतने मेहनत से कमाया है। सिर्फ वीडियो क्लिप के बिना पर नौकरी से नहीं निकाल सकते ना उसे, तो अब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे एक इंसान ना अपनी जाके जान ही दे दे, और वही हो रहा है, वो अपनी जान देना चाह रहे हैं। सॉरी पर हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस मामले में कैसे फिट होते हैं, मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उस प्रिंसिपल का नाम सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं। शंकराचार्य। शंकराचार्य? शंकराचार्य उस कॉलेज का प्रिंसिपल है? जी जानते ही होंगे, हमने सुना है कि आप लोग कॉलेज टाइम से जो है काफी पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ अगर ये वही शंकराचार्य है तो हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज पास आउट किया है। विजय, शंकर और मैं साथ में पढ़ते थे, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है शंकर के साथ। संतु, हाँ यही तो है शंकर, ये कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जी खड़ूस प्रिंसिपल, जो अपने टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस टीचर ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोशिश किया था। मुझे पता था ये चाहे कुछ भी बन जाए खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। मैं जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? रमोना की वजह से। सारा कॉलेज जानता था वो रमोना को कितना चाहता है, हर वक्त आंखों में दिल लिए इनके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन रमोना तो मुझसे प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। हमेशा मेरा पीछा किया करता था, बात करने की कोशिश करता था पर सामने आते ही बौखला जाता था, पर उसकी कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। आइए चाहिए मैडम जी। जय श्री कृष्ण। लग तो बाप बेटा ही रहे हैं। जय श्री कृष्ण, आप बाप बेटे हैं ना? चोरी का कंप्लेन लिखाने आया ना? आपको कैसे पता चला? मुझे बताइए, टेल मी आस एंड व्हाट इज द चोरी, कैसे कब कहा हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट इज दिस? हो गया तुम्हारा? ओके ओके जी बताइए, कब और कहां हुई चोरी? मैडम वाचण एम बनी ने के गई कल रात हमारा घर में चोरी थी। एक मिनट भैया भैया भैया, ई संथाल से है, इससे संथाली में आपसे बात करवाएंगे तो आपके कुछ समझ में आएगा? नहीं 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 ना, तो हिंदी बोलना यार, बोलना हिंदी। हाँ मैडम, वाचण एम बनी ने के हमारा घर में गई कल रात ना चोरी थी। चोर आया, फिर चोर सीधा खिड़की से सीधा किचन की तरफ गया, फिर किचन से सीधा हॉल की तरफ गया, फिर हॉल से सीधा हमारा बेडरूम दिखा तो बेडरूम की तरफ गया, और फिर मैडम अलमारी दिखा, और अलमारी की तरफ देखते उसकी आंखें चार हो गई, फिर अलमारी को खोलता है, फिर पूरा सपा चंगाल पूरा हमारा गया मैडम। 12,342 रुपया।
12,342 रुपया। कितना होता है? 12,342। हाँ तो चाचा यही हिंदी में बोलने का कितना रुपया लीजिएगा आप? अरे पूरा 9 तोला सोनू पर गयो मैडम। सोनू पर सोनू सोनू सोना मैडम, हमारा सुख चैन शांति, हमारा संतोष। संतोष कैसे? संतोष जी तो यहीं पर। संतोष यहीं पर हूँ। ए बेन, हमारा मन का सुख चैन शांति संतोष सब उड़ के चला गया। ये चोरी कहाँ हुई थी आप एड्रेस बताएंगे? शहादतगंज। मुझे पता है शहादतगंज के जो चोर उचक्के हैं सबको मैं पहचानता हूँ, उनके डिटेल मेरे पास है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, सबसे मेरी बात होती है और वहाँ का चोर है बाबान। ये पुलिस है के चोर? कपड़े से तो चोर लग रहे हैं। था। चीते, बिल्लू को बाहर की हवा खिला के ला। चल, एक मिनट। आप लोग चोर मिल जाएगा, चोर को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा है, आप लोग घर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। चल। ये संताल का? चल वहीं से घुमा कर लाते हैं। चल नहीं यार। जय श्री कृष्ण। दिमाग का दही कर देता है ये बिल्ले। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आपको कोई ढूंढ रहा है? तुम जाके चोर को ढूंढो। ओके। हेलो जी मैडम जी, मैं तनु। मेरे पति अन्य ससुर छे की गए? हाँ गए, बताइए। जी मैडम जी, मैं प्लीज कह रही हूँ ये केस सॉल्व मत करना। आप और मैं आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं ना। 10 सेकंड से ज्यादा हम बकवास नहीं सुनते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे आपको। मैडम जी मैं क्या? पुलिस बैठेगी और ये विरुद्ध स्पाई काम करेगा। 2 मिनट में पकड़ूंगा, आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा। आप जस्ट चिल। अच्छा तो पुलिस का काम अगर चोर करेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस चोर पकड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। सुना नहीं? अरे हम लोग पकड़ेंगे, तुम ऐसे ही बैठ के टाइम पास करते रहो। ओ, टाइम पास क्या बोल रहा है ये? आपने सुना ना? संतोष जी मैं कह रहा हूँ, किसी को उसके काम से नहीं उसके टैलेंट से नापना चाहिए। एंड माय टैलेंट इज वेरी हाई, आई एम बिल्लू द स्पाई, तो चोर को मैं पकड़ के लाऊंगा। अच्छा तो फिर बिल्लू जी हम यहाँ बैठ के लूडो खेल ले। अच्छा चल ठीक है, तुमको पकड़ने का मन ही है ना, तो लग गया सट। हम दोनों में से यानी चोर और पुलिस में से जो भी चोर को पहले पकड़ेगा तो शर्त जीत जाएगा। बोल, लगा शर्त? अच्छा ठीक है, लगी शर्त। 1 सेकंड, ये क्या कर रहे हैं? रुको। ओह माय गॉड, रेडी रेस। 1, 2, 3। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.